मरे पे फोटू, जिंदे पे फोटू, ओए पे फोटू, जाए पे फोटू, इन फोटू तो मतलब हो रहा है। कोई सी फेडरेशन की बात कर लो, क्या की बात कर लो, काम एक आओ है अगले ने फोटू खिंचा लिया, देश में होगी मेडल आगे, खिलाड़ी जाओ बाढ़ में। क्यों इसने कर्जा उठाया कि मैं ओलंपिक तक जाऊं, ओलंपिक ही जाना है ना, सपने सपने में आओ है लोग, अगला जाकर मेडल भी जीत लिया, मतलब नहीं हो रहा अपने मेडल तो गिनती होगी ना थारी, होगी होगी गिनती, दूसरे मेडल मंगा लियो ने फिर ले लिए। प्रधानमंत्री के पास हम बुलाया था हमने, मतलब हमारे को बुलाया गया था, मैंने यह बात बोली भी थी वहाँ पे, बोला तू चिंता ना कर हम सब कुछ करेंगे, उसके बाद फिर फोटो फोटो खिंचवा करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। खिलाड़ी मैं ही नहीं बन पाया ना, कितने बना खिलाड़ी, इतना कड़ा मेरे पास हो रहा है, मतलब रोटी खाने का टाइम बहुत नहीं रहा, खिलाड़ी कितने बना मात्र लो रह गए भी हो, यो कुछ नहीं है लो आ रहे, इसने कितने गाड़म भगा दी ओलंपिक का खिलाड़ी, अरे रोड रोड पर भी मांगता हुआ नजर आया, देश का दुर्भाग्य है यो, एक छोटी मोटी डी ग्रुप की नौकरी भी नहीं रामा में सर भाई, नाम थरा भाई लोग दिया फिर थरा स्वागत हरियाणा भाई चारा सबका प्यारा सब तेनारा में भाई। एक पहलवान की कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी, खिलाड़ी की पहलवान ने वीडियो वायरल करी थी, अगर भाई कर्जा इतना हो रहा है, उसने अपने मेडल जो है वे बेचने पड़ रहे हैं, मजबूरी इतनी हो रही है, वो मेडल बेचने जो खिलाड़ी मजबूर हाज हम उसके घर ना आए हैं, और उसके जब हम आए तो हमने पता लगा कि एक बहुत बढ़िया बॉक्सर अमित पंघाल, उनके पिताजी और उनका जो भाई है वे भी आज आड़ा आवे हैं, मदद करेंगे इनकी जो कर्जा हो रहा है। देखो खिलाड़ी है ऊपर तक अपाइज, मैं फिलहाल मिलवाऊंगा और ना जी फिलहाल मिलवाऊंगा, और ये खिलाड़ी हैं विनोद मलिक जी, और अमित पंघाल के पिताजी भी मर गए, अंकल जी राम राम, पहलवान जी राम राम, राम राम बेटा भाई, सुंदर पहलवान जी भी हर सारे भाई बैठे भाई, राम राम, राम राम भाई, ठीक सो भाई, भाई एक बार थोड़ा सा मैं प्रेरण आ जाऊं और मैंने कुछ सवाल करने हैं इनते, पहलवान जी वैसे तो आपने वीडियो बनाई थी इनकी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं इनते, मारे जो समझ में नहीं आए, जनता को भी उसका समझ में ना आए भाई, सच्चा पत्रकार वो है जो सच्चाई से मिला हुआ है, आप पूछो आपका। देखो सबसे पहली बात तो है कि मदद, देखो कुछ भी है मदद करनी जरूरी है इस व्यक्ति की, इतनी मैं गारंटी दूं भाई, ईब तक जो मैंने बेरा है मदद करनी जरूरी है, और जब अमित पंघाल भाई के पिताजी भी आड़ आए हैं और मदद करेंगे, एक शुरुआत शुरुआत जरूरी है, कई खिलाड़ी हैं जिनके फिर मैं कहंदा कहंदा गना कहे यार ऊपर है बेशरम के को है, के को है भाई साहब, कित कित मेडल आए अपने, कौन सा गेम खेल यारते भाई साहब, मेरे डिस्कस थ्रो का मेरा गेम था, और मेरे पेरिस में डिस्कस थ्रो में एक वो गोल चक्री सी होती है, डिस्कस थ्रो उसको बोलते हैं, और वो व्हील चेयर पर बैठकर उसको फेंकना होता है, ठीक है, जैसे जैसे हम है ऐसे ही अगला मिलेगा, जो जितनी दूर फेंक देगा उसमें उसका मेडल होता। मेरे पेरिस में आए हैं भाई साहब, और दुबई में आए हैं तीन बार, कौन से थे ओलंपिक था, मैं बताऊंगा, मेरी बात सुनो, पेरिस में थी हमारी जो जो सिलेक्शन के लिए होती है, तो वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, जब स्टार्टिंग में शुरू में ही गया था मैं, उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा फोर्थ प्लेस रह गया था, उसके बाद फिर मेरा उसका ओलंपिक का कोटा मिल गया था, फिर उसके बाद में ओलंपिक में मेरा मेडल आया था, जिसमें दिक्कत हो गई थी, मेडल आया हुआ उन्होंने मतलब वापस हो गया था, वो दो दिन बाद आने के दो दिन बाद, जब तक सब ने ट्वीट भी कर लिया, पूरे देश ने जश्न भी मनाया था, ये दिक्कत हो रही, मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था भाई साहब, और एशिया उसमें रिकॉर्ड भी था, 1991 में मैंने डिस्कस फेंकी थी, एशिया के सारे उसमें सबसे ज्यादा मैंने फेंकी थी पैरा ओलंपिक में, तो तुम न्यू सोचो, पहले तो मेडल आया, मेडल आ गया, खूब राजी हो, जश्न मनाए, बम फोड़े, बोले कौन नहीं आया मेरा, क्यों ना आया, खोस ले गए बहुत दिन देखकर ठाडे खोस ले गए, जो दूसरे देश वाले ठाडे थे ना, मारले तो ठाडे है नहीं, मारले तो आवाज ठावा नहीं अपने मानसा की, उन्होंने तो अपने अपने मतलब इसकी किसी ने आवाज नहीं ठाई, क्यों चले आ गया भाई मेडल, के करा किसी ने ठाई भाई साहब, यो काम हो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक जो कमेटी होती है ऊपर वाली, जो पूरे वर्ल्ड की होती है, उसमें मैं नहीं बोल सकता, अगर मैं बोलूंगा तो उसका मेरे पूरी जिंदगी बैन ला दे, आगे मैं कुछ खेल भी ना पाऊंगा, क्योंकि आपको पता फेडरेशन की बात है, ये 29 अगस्त 2021 की बात है भाई साहब ये, और उसके बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है ये, मैंने अनुराग ठाकुर भी थे उस टाइम पर, किरण रिजिजू भी थे, जब प्रधानमंत्री के पास हम बुलाया था हमने, मतलब हमारे को बुलाया गया था, मैंने यह बात बोली भी थी वहां पे, बोला तू चिंता ना कर हम सब कुछ करेंगे, उसके बाद फिर फोटो फोटो खिंचवा करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बेरा है किसी है सरकार है, मरे पे फोटू, जिंदे पे फोटू, ओए पे फोटू, जाए पे फोटू, इन फोटो तो मतलब हो रहा है, कोई सी फेडरेशन की बात कर लो, क्या की बात कर लो, काम एक आओ है अगले ने फोटो खिंचा लिया, देश में होगी मेडल आगे,
खिलाड़ी जाओ बाढ़ में, खिलाड़ी आता मतलब नहीं हो रहा, अपने मेडल तोड़ो, गिनती होगी ना थारी, होगी होगी गिनती, दूसरा मेडल मंगा लियो ने, फिर ले लिए ने, कितने खिलाड़ी आगे हौसला टूटेगा भाई देख के। सेकमेंट दिमाग की बात है, यो एक भाई है विनोद, चल इसका तो कर दिया था जो कर, कर्जे में डूब गए हो क्यों, इसने कर्जा उठाया भाई मैं ओलंपिक तक जाऊं, ओलंपिक ती जाना है ना, सपने सपने में आओ है लोग, अगला जाकर मेडल भी जीत लिया, रो भी खोस लिया, क्यों वो जो दूसरा था उस कमेटी में, जो दूसरा थ्रोअर था उस कमेटी का सदस्य, वो इंटरनेशनल कमेटी का सदस्य नहीं, वो चीफ है उसका भाई साहब, और वो एक प्लेयर भी है वो भाई साहब, देख लो वो प्लेयर भी और वो चीफ भी, उड़े लू बोल तो उड़े छोड़ रखा था मैंने, ओलंपिक वाले नहीं बताऊ मैं बात कदे नु मान दो, सरकार तो हमारी है इतनी अच्छी, कदे खिलाड़ी कुर्स फेडरेशन है जिसका विरोध नहीं हो रहा भाई, अगर ग्राउंड लेवल में देखा ना सारी फेडरेशन आंची है फोटू पाछे खिलाड़ी आता कोई मतलब नहीं, खिलाड़ी को किसे खिलाड़ी थे, कोई से खिलाड़ी थे बात कर लियो, चाहे पहलवान होए चाहे बॉक्सर होए चाहे भाई ये डिस्कस थ्रो वाले कोई होए कोई भी क्रिकेट वाले होए, वह बामन वास की रोत तक के नाम है उसका सोनिया, उसके घर ना कुण दाने गिर रहा भाई, बेचारी कितने लकड़ कर कित पो चली वर्ल्ड कप जीते है, वो क्या करना कुण दाने गिर रहा, लेकिन आज जो शुरुआत करी है अंकल जी ने वह बड़ी जबरदस्त भाई साहब, सबसे पहले तो नू बताओ कर्जा होया क्यों कर, कितना कर्जा भाई साहब, ये नू होया था जिस टाइम में मतलब तैयारी करा करता उस टाइम पे के नाम से मेरे पास 28-30 लाख रुपया कर्जा था उस टाइम पे, वो क्यों था क्योंकि मैं हमारी जो फेडरेशन है पेशेंट देती, अपने पल्ले से लाकर जाना पड़ा जी, मेरा भी खर्चा अगर अकेला मैं कहीं जा सकता नहीं खेलने के लिए, दूसरा बंदा मेरे साथ जाया करता, जहाँ 3 लाख रुपये लगने वहाँ 6 लाख रुपये लग गए, और 4-5 बार जाने में होया, जो 8-10 लाख पार्टिसिपेट के मिले थे वो लोगों के जो ले लिए थे वो दे दिए, उसके बाद जो मकान का लोन था वो नुकानू रह गया, अब जिसको ना दूंगा मेरे घर अभी बैठेगा आने का, मैंने उसको लिए रखे देने भी जरूरी थे वो दे दिए, उसके बाद फिर मांडेगा गवर्नमेंट की तरफ से भाई कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब आश्वासन रहा ईवीस पर लोन हो रहा है, और ये इसकी 1.5 साल की इसकी सारी ड्यू हो रही है, मतलब कर्जा जो हो मकान का है, मकान का है सर अपनी अनुमान 12 लाख रुपये है इसके, और भाई 2,41,000 रुपये फीस हो रही छोरी जाती, अच्छा मतलब गुड़िया जो हवा छोटी सी उसकी फीस भी नहीं मिल रही, दो छोरी है मेरे, एक छोटी एक बड़ी, अच्छा अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं यार, दोनों वैसे स्कूल में पढ़ते हैं भाई जी, जी। रोटी खाने का खिलाड़ी कितने बनाया जाएगा बताओ, उसमें बहुत खर्चा हुआ है, सरकार तो सिर्फ मैं यही बात कहूंगा अगर आपने इस देश हरियाणा के खिलाड़ी है कुछ भविष्य देखना आता है ऐसा काम ना करे जैसा मेरे साथ भी और जो जिन जिन के साथ आप करना लग रहे हो, सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट है सरकार, तो रिक्वेस्ट करने की जरा ही ना रही, पहली बात तो यह है सिर्फ और सिर्फ खिलाड़िया निशा छोड़ दो भी अपने देश का कौन कौन मेडल लिया हुआ है, हरियाणा के मेडल लिया करते ये जो पाछे हट गए ना तो अपने देश में एक भी मेडल नहीं आओ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, 60% मेडल हरियाणा के यार थे, डंके खेल हो यार, ठीक है टेबल पर मारे जाओ था मेडल तो आप पे आ जाएंगे, अड़ाएंगे लाग गए पहलवानी करके देखो, एक दिन लंगोटी बांध कर देखो, पहलवान की कामची खा कर देखो, पिंडिया ऐसी लिल्ली बना दे है, ठीक है। अरे भाई मैं तो एक बात कहूंगा, हरियाणा के खेल मंत्री थे तो उम्मीद भी क्या करा उसके, आप ऊपर आप पूर्व खेल मंत्री कहवांगे तो क्यों, अपना जो मंत्रालय है वो सौंप दिया खट्टर साहब ते, उस उन तो उम्मीद क्या करा, अपना करेक्टर नहीं बचा सकता तो खिलाड़िया क्या करेगा, क्या करेगा आप पे भूडा है फिलहाल, लेकिन अंकल जी से बात कर रहा हूँ, अंकल जी राम राम, नमस्कार अंकल जी, सबसे पहले देखो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए भी हो ना उस चीज ते, ये जो दर्शक देखने लग रहे विनोद है हौसला बहुत बढ़िया है, क्योंकि अमित मैंने सुनी थी हमेशा मैं सुनिया करता कि अमित मंगा लगे घर के, अमित मंगा कुछ नॉर्मल सा है, मतलब उनमें को फालतू वो सिस्टम को नहीं, अगर इतने बड़े सटार हर नू हर नू वह चीज आज देखने मिली है मैंने, वो मैं सुना करता लेकिन आज देखने में मिली है, अंकल जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी, अच्छा क्यूकर के मेरा पट्टी मदद करने क्यों कर बस उस पर देखा फोन पर बड़का ना मेरा आपका बताई है उन्होंने मोबाइल उसकी मदद करने का हमारा फर्ज बना, हाँ फिर अमित ने फोन करा मेरे घर पापा ऐसे ऐसे बात है और उस भाई की मदद कर खाओ, मैं ठीक है जरूर जाना क्यों नहीं, सरकार तक अपील करो, वैसे देखो मैंने कहनी तो ना चाहिए बात क्योंकि इनका बालक भी उन्हें भी आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी नरम अपील सरकार तक मैं चाहूंगा आपकी तरफ, क्योंकि हो सका आप पे की सुन लेनू कहा करना बेरानी किसकी सुन जा,
ये राम है सरकार आज के टाइम मारी, ये राम ने बेरा ना किसकी सुन जा रहे, इस भाई का भला हो जे ना, आपका कुछ भला होना ना मेरा ना जितने बैठे किसी, लेकिन इसका इसके बड़का अगर यो गर्भ जगह ना गर्भ सीज होगा। देखो मैं तो आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जी इनकी ज्यादा से ज्यादा तो मदद करी जाए, और इतने लेवल पर जाने के बाद भी अगर ये कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य ही समझियो। आगे खिलाड़ी के ऊपर बन जाएंगे। हाँ तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकारी आगे आए और इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करे और ताकि ये अपने कर्जे उभर सके। भी मैं यही कहना चाहूंगा कि वो भी आगे आए। दूसरे पहलवान खिलाड़ी जो हमें भी आगा हुआ जब उनकी सपोर्ट में ये जा सके तो मैंने भी आगा, खासकर खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों से अपील करता हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा आगे आए और इनकी मदद करें। देखो एक शुरुआत कर दी है, आज तो शुरुआत होगी है खिलाड़िया ने। देखो अमित भाई तो जो बाहर विदेश में मेरे ख्याल भाई है ना, बाहर है अमित भाई तो वो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने अपने फादर साहब भेजे हैं यार, भाई बढ़िया भारी है हम ऐसे खिलाड़ी के जिसकी ऐसी सोच है, जिसकी तमन्ना है। अब भी और भी खिलाड़ी आगे बढ़ो ना, आज के टाइम पे ना दूसरी टांग खींच रहे पहलवान जी। हाँ, काम हो रहा है। हमारे खेल मंत्री थे तो हम उम्मीद कर नहीं सकते हरियाणा के थे, नहीं खेल मंत्री थे, खेल मंत्री हाँ पूर्व खेल मंत्री के सीएम तो ना कर सकते उम्मीद तो, या सरकार तो इसी है भाई, खिलाड़िया का गति सर्वनाश करने पर लाग रही है, ये वो खेल कोटा बंद कर दिया। आप देखो पंजाब हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इन सभी स्टेटों में खेल कोटा लागू है, आड़ा हरियाणा में बंद कर दिया। मतलब कारण के है, यो खिलाड़ी है ओलंपिक तक जाया और आज कर्जम डूब रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। अपना हरियाणा तो खेला का नाम तो जाना जाए भाई, खेलों के नाम तो अजय जीत के आवे है, जब यो भाई मेडल लिया, जब सारे ने फोटो खिंचवा रहा कि देख ले तू, सब इसका फोटो खिंचवाने का तरह गए, सब आगे इसका दौर फोटो खिंचवाने का सब के में करया। आज यो मुसीबत में है, आज सरकार की थे भाई, अगर यो मेडल लिया हुआ ना तो इन्हें सरा क्या रखो है तुम्हें इसका भाई, चलो ले कौन आया इसका मेडल रहेगी कसर, और सरकार अगर कोशिश करे तो मेडल आ भी गया था। अगले ठाडे हैं चाइना वाले, ठाडे ठाडे बात ना, लाठी वाले एकदम ऐसे भी है। दिखाइयो भाई यो ये गेम है, आगे ना लाइट बंद करके, अरे दिखा ये देखो, विनोद कुमार ने भारत डिस्कस थ्रो में दिलाया, भारत को डिस्कस थ्रो में दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, एशियन रिकॉर्ड किया कायम। हाँ भाई मैंने एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात सोचियो, सारा खबर चाल ली सोचो, बिला वो बात होगी छोरे का रिश्ता हो गया और फिर एटम नाइट गई, अगले तो मेडल लिया आया, फिर जो ठाडे पड़े थे इसमें खोस ले गए, बैंक में तो पीछे कटाने जा रहा था राम, गुंडे आके खोज लेके गुंडे कमांगे हम तो, क्यों इसकी जो हक था ना वो हक मार लिया, और क्या अगर हक ना मारे मारना चाहिए किसी का, और वो बच्चे भी नहीं गा, एक बात और जो बेचारे गल इसकी गल कर दी ना, ये ऊपर देखू था मैं, ये ऊपर ने दिखाई है भाई, ये जीत रखे इसने वोट सारी चीज, और मतलब इतना बुरा काम कर क्या जी, बेरा के बात अलग कुछ है, क्या भाई सरकार के पास इस खतरे को छोटी मोटी नौकरी को नहीं अपने बड़का ने पाड़ लियो, इतना काम सरकार पे, सुन भाई यो एक मात्र लो रह गया भी हो, यो कुछ नहीं है लो आ रहा है, इसने कितने गाड़म भगा दी की कोई वैल्यू कौन, क्यों भाई तेरी मदद करने खातर समाज आने लग रहा हक है, इस तरह अमित पंगाल के पिताजी आए हैं, जिस तरह हमने इन पर गर्व है, ये आए हैं, ये हमारे खट्टर थे बड़े जो पीएम है उससे बड़ा हज का दिन हमारा खातर था भाई, इसका घर मत चांदना करेगा, ये खिलाड़ी मदद करने लग रहा है, सरकार ने कोई मदद नहीं करी, शर्म की बात है, वोट लेने खातर आ जाए हैं और ऊँ ये टेम पर दिख दे नहीं भाई, बताओ। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा भाई, खिलाड़ी खिलाड़ी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई, बिल्कुल इबकाल भी करके आए थे भाई, यो काम हमारा ही रह गया भाई, बड़ा सारा सारा हम ही करेंगे कि, तो सरकार के काम आओगे नु तो बता दो, है शर्म की बात है, दो कन्या इसका चाल नहीं सकता ये आदमी, क्या करेगा भाई, इसने रोड पर छोड़ दिया मेरे कान मुकर इसका कैमरा का, के कहेंगे दुनिया वाले के कहेंगे बाहर देश के एक ओलंपिक का खिलाड़ी अरे रोड रोड पर भी मांगता हुआ नजर आया, देश का दुर्भाग्य है यो, तमने एक छोटी मोटी डी ग्रुप की नौकरी भी नहीं दे सकते यार, है शर्म की बात है, अगर कोई सुन रहे हो तो, अरे भाई खिलाड़ियां तो बताओ, हाँ जितने भी खिलाड़ी हैं मदद करो भाई, जिस तरह अमित का पिताजी आगे, इसका जमीर जिंदा था भाई,
बीच नु आएगी कमाई सही जगह लगा होगा तारा भी। अरे मेरे बजी ही हुई ना भाई, मैंने शुरू में मन्ने मदद करी थी, अरे भाई करमूर ने भी मदद करी, और भी कर दे रहा हूँ आगे। अरे भाई यहाँ तो हाथ जोड़ के पिल है, ला दो भाई सारा थोड़े थोड़े तो, क्योंकि सबका काम है भाई। ठीक है, देखो मुन्ना तो नंबर भी जो नीचे दे रखा है इसका, को ना आ सकता हो बनना तो को है नहीं आड़े, ना सकता हो भाई का नंबर भी दे रखा है नीचे, ऊपर फोन भी कर सको। एक बार और कहूंगा भाई, हाँ भाई खिलाड़िया तो बतावा, हाँ खास कर तो मैं मेरे में घुमाने बताऊंगा, तारा दिक्कत हुई ना अदब तो जंतर मंत्र पर तमी उड़े केक बलात क्या शुगर लग रहे थे, एक केक बलात क्या शुगर है तो उड़ तमी, तारी मदद खातर पूछे थे, यो भी पूछा था, हम सारे पूछे थे। अरे यो एक बात और गौर कर लो तो ना, एवर का लेने दे भाई, सच्ची बात कहवागे, यो छोरा था भाई जंतर मंत्र पर गया, उड़ तरह तना आया था, एक्सीडेंट हुआ सारी तो गड्डी का नाश हो रहा, इसे गोडम चोट लाग रही, अपने पल्लत लाला जावा हम गए तम उठ की बाज गए, उड़ते क्यों बाज गए उठ की भाई, जब तुम तारा उधार नहीं कर सकते तो छोटे बड़े कहाँ के करोगे, ये शर्म की बात है। क्यों ये तारा खातर मदद करने खातर तो हम सारी जगह जावा, क्या तुम इसकी मदद नहीं कर सकते खिलाड़ी की, अगे भी सरकार इस यो एक काम रह गया, सरकार नहीं कर रही कुछ भी, तुमने मदद करनी पड़ेगी भाई। और आम आदमी तभी अपील है हमारी, एक इंसानियत का नाता भाई करनी तो नहीं चाहिए, छोटी बात है यार, कह मुंह मत लगेगी, एक अपाहिज आदमी की मदद करते हो भाई, इसका ना देखो ना तो इसकी गुड़िया का देख लो भाई, छोरिया का। बिल्कुल भाई देखो मामला के है, अपाहिज आदमी है, एक नौकरी के रिश्वत ले लेना दे हो भाई, मैं बताऊं बात फ्री में दे दो कि तो भला हो जाएगा, कौन रकम कम तेल के छीटे लग जाएंगे, हाँ को देखता हो इस वीडियो ना, को अफसर देखता हो तो वो भी समझो इस चीज ना कि इस बेचारे का कुछ नहीं रहा, खेल लांगे खेल हरियाणा में मेरा बालक होती है और खेल लांगे कोई सा खेल करांगे, एक बार तो सब तो पहले सोचिया हुआ यार है फौज पुलिस और खेल पाछा देखा रहा पढ़ाई ने, तो ये शोषण हो रहा है सबसे बड़ा शोषण यो है, यो तारा को शोषण को नहीं हुआ इतना, यो सबसे बड़ा शोषण है, यो शोषण है, कर्जा भी और ओलंपिक भी खोलिया खेलिया है कोई सुन नहीं जो रुपया बता रहे भी तो भाई रेंज रोड गाड़िया में घूमे ही है कमा गए ठीक है भाई, अपनी मेहनत करी तमिल अच्छी बात है, फिर मेहनत का कि 1-2% अच्छी जगह ला भी दिया रो भाई खिलाड़ी, अगर तारे तमिल देख देख के अगर कोई और खिलाड़ी आगे लकड़ जाए तो अच्छी बात है भाई। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँ जितने भी भाई मैंने देखने लग रहे हैं फिलहाल, चाहे 2 देखे चाहे 100 देखे चाहे 1,00,000 देखे, मदद जरूर करो, एक एक रुपया भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी सारे करोगे तो, इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने भाई का नंबर देर किया है, मतलब वो है ना आदमी है रो नहीं सकता, मर्द मानस रो नहीं सकता, लेकिन भीतर तो भी कल्पना लग रहा है। ठीक है खिलाड़ी आते भी रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट सरकार तक, खिलाड़ी तो भी मदद कर जाएंगे मान ले, फिर भाई अगर आगे के सरकार अगर इसने नौकरी दे दे अपने मकान की किस्त भर ले सारा रोला है खत्म, के मांगने लग रहे सरकार पर उनकी जान मांग ली, एक नौकरी मांगी है वह भी ना दी जाती। विनोद भाई आखिरी संदेश के दोगे? आखिरी संदेश भाई साहब मैं यो दूंगा, जैसे अमित भाई साहब के फादर आए हैं एक वीडियो देख के, जो इन्होंने मतलब जो इन्होंने अपना फर्ज समझ के मेरे पास मेरी मदद करने के लिए आए, मैं सब तो एक चीज कहूंगा भाई सरकार तो जो जिस से सब नबी रहा है कम से कम अपना जो खिलाड़ी भाईचारा वो भी एक दूसरे की मदद करेगा तो छोटे खिलाड़ी जो है वो भी उपराज के हैं, वो भी किसी के डिपेंड ना रहे हैं जो ग्रास लेवल पर काम करें, मैं इस लायक होता ना मैं भी जरूर करता, लेकिन मैं सिर्फ इस लायक हो रहा हूँ, मैं मांगने के लायक हो रहा हूँ, मदद मेरी मजबूरी हो रही है, ये बिल्कुल मजबूरी हो रही है ज्यादा मांगने लग रहा है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में शेयर करते हो ज्यादा बड़ी, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता काम की बात इसमें होगी है, और शर्म लिया जाया कि मैं हो तो बरत लियो ना हो तो भी बेच कर तो तुमने खाई रखी है सरकार वाले ने। अंकल जी ने पूछो आप कितनी मदद करने के लिए, आज तो बड़ा दल देखो आप उनका, तो पूछो कितनी मदद करेंगे अंकल जी, अंकल जी कितनी की मदद होगी, 51,000 रुपए दे रहे हैं, शुरुआत है शुरुआत है, अच्छा और भी करोगे आगे भी करते रहेंगे कोई ऐसी बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ी थी लोगों जैसे जिसकी कमी पेशी रहेगी उसे आगे फिर सहयोग कर देंगे, तो हमारी शुरुआत है भाई जी, बात होगी थी भाई जी कहती जैसा भी होगा उसे हम कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, और हम देखा सरकार थी भाई इसका नहीं ध्यान दो, आम आदमी कितना कितना हंगामा होगा, खिलाड़ी क्यों किसके पास ला गया होगा, सब तो बढ़िया सरकार सबका देव है, अगर इसने अपनी मेहनत का फल मिल जाता तो हम लाने की जरूरत क्या थी, तो यह काम बस फिलहाल इस वीडियो ने जो है शेयर जरूर कर दो, और ये मदद अंकल जी ने जो है इनकी
करी है। फिलहाल इस वीडियो ने इन्हें तस्वीरों पर छोड़कर जाऊंगा, लाइव ने शेयर ज्यादा ज्यादा कर दियो और धन्यवाद है ऐसे खिलाड़िया का और उनके घर वाले का भाई निजे में पीछे मानस नहीं माने रहे। अगर मिला थर राम राम जय जवाहर जय जवान जय किसान जय भगत सिंह।